अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के लीडर साजिद यूसुफ शाह। इनसे बात करेंगे डिमोलिशन ड्राइव के बारे में, इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे सवाल रहेगा, जो ये डिमोलिशन ड्राइव अभी हो रही है, इसमें एनसी का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है ये ज्यादातर टारगेट करिए गरीबों को। 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये सिर्फ गरीब तबका है, उसमें जो 2% ऑफ द पॉपुलेशन है वो सिर्फ आ रही है अमीर। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये लोग एक्चुअली जितने इनके क्राइम्स है या अपने क्राइम्स को बचाने के लिए गरीब को जो है आगे कर रहे हैं। ये पिछले 70 साल से इनकी नीति रही है। पहले मैं इनसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या सागर साहब गरीब है? क्या जो नीडोज के मालिक जो है, क्या वो गरीब है? कल जब करारागर में एक डिमोलिशन ड्राइव में एक बिल्डिंग गिराई गई, क्या वो गरीब है? कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। जिस बंदे का बड़ी बड़ी इमारतें जिनने खड़ी की है, 2 फ्लोर 4 फ्लोर, क्या वो गरीब है? गरीब मैं वो मानता हूँ जो शेड में बैठा हुआ है, जो प्रॉपर जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जो प्रॉपर मतलब कहीं सड़क के किनारे कहीं उसने फॉर एग्जांपल कहीं टेनो शेड बना के है, मैं उसको गरीब मानता हूँ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि सागर साहब गरीब है, तो मुझे लगता है कश्मीर में हर कोई गरीब है। इस हिसाब से हम सागर साहब की बात यहाँ पर ना करें, तो अगर हम बात करें, कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि फीमेल का, वो बोल रही थी कि मेरे इतने बेटे हैं, 4-5 बेटे हैं, और वो चला रही थी कि मेरा मकान। आप मुझे बताएं, जिसे 30 साल से मेहनत की होगी किसी मकान को बनाने के लिए और उसी से उसका रोजगार चलता है, चाहे वो दुकान की बात करें, और अचानक से डिमोलिशन ड्राइव का ये गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालता है और उसका जो घर है, उसका जो रोजगार है, वो खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट ने इसके बारे में नहीं सोचा? देखिए, एक चीज़ सोचना उन लोगों को चाहिए जिन लोगों ने, पहली चीज़ इनको पिछले, आप जैसे आपने कहा कि कहीं सालों से वो इस जगह रह रहे हैं, या जिन लोगों ने अपना घर बनाया, सोचना उन लोगों ने थे जिन लोगों ने उनको उस टाइम पैसे लेके उनको परमिशन दी। मैं ये आपकी चलन के माध्यम से उनसे सवाल करता हूँ, उन लोगों से सवाल करता हूँ जो ये कहते हैं हमारा घर आज तोड़ा जा रहा है। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जब आपने परमिशन लिया, मुझे पता उस परमिशन के आपने पैसे दिए होंगे, कसूरवार वो लोग हैं जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया और उसका परमिशन दिया आपको, और आपको ये बताया कि स्टैंड लैंड नहीं है। आज जब सरकार जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब आज चेक करता है, वो निकलता है कि ये तो सरकार की जमीन है, उस पर डिमोलिशन ड्राइव नहीं होगा तो क्या होगा उस पर? एनसी का कहना ये भी है कि हम एनसी की इफ्रा जान स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि आप लोग जिद निकाल रहे क्योंकि एनसी आप लोगों की बी टीम या सी टीम मानने रहने को तैयार नहीं थी, आप लोग जिद निकाल रहे हैं उनसे। देखिए, एक चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस बात ना करे तो सही बात है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी चलन के माध्यम से याद दिला दूं कि उमर साहब जो थे पहले, जब कैबिनेट में जब उनने मंत्री बने थे, तो स्टार्ट में पहले वो बीजेपी के साथ ही तो बने थे। मैं उनको याद दिला दूं फारूक साहब के साथ, जब 2019 के बाद सबसे पहले बीजेपी का जो गठबंधन हुआ लद्दाख में, एनसी नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि इफ्रा जी जो बात कर रहे हैं ये बेबुनियाद है, और आने वाले वक्त में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली दे आर पावर हंग्री। अगर उनको मौका मिला कल को बीजेपी के साथ सरकार बने, वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। आप मुझे आखिर में आप मुझे बताइए, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी हाल ही में ये ऑर्डर निकाला जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जो इंसान मतलब हमारी एक चीज़ कश्मीर में एक चीज़ प्रॉब्लम है हर किसी चीज़ के, हमें मुफ्त की आदत लगी है। मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, पूरी इंडिया के लिए है। हमें लगता है कि जो भी लॉज आ रहे हैं सिर्फ कश्मीर के लिए, ये पूरी इंडिया के लिए नहीं। क्या दिल्ली में कोई बैठा हुआ नागरिक, मुंबई में बैठा हुआ कोई नागरिक, क्या वो प्रॉपर्टी टैक्स में वो पे नहीं करता? वो सब हर कोई पे करता है। अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे, यू हैव टू पे द टैक्सेस, एंड वो टैक्स जाते कहाँ हैं? हमारी भलवाई के लिए वो टैक्स जा रहे हैं। आपके रोड्स बन रहे हैं, आपके स्कूल्स बन रहे हैं, आपके जो आपका हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है, वो टैक्स का पैसा कहाँ से जा रहा है? टैक्स का पैसा वहीं जा रहा है, आपकी भलाई के लिए जा रहा है। तो इससे प्रॉपर प्रोसीजर, अगर लोग ये सोचते हैं कि सरकार के खाते में जाता है, सरकार के खाते में सरकार आपके वो खाते में डाल देता है। आपको मैं ये बता दूं कि राशन का सवाल है, आपको सरकार जो राशन देती है वो आता कहाँ से है? आपके पैसों से, आपकी जो है भलाई के लिए, आपके जो रोड्स हो, कुछ भी हो, आपका जितना भी इंफ्रा यहाँ पे गवर्नमेंट बना रही है, वो आपकी टैक्स पेयर से पैसा भर रहा है। सो इट्स नॉट मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी पार्टी हो, इन लोगों का एक चीज़ आदत है, इन लोगों ने कश्मीर को पिछले 70 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। आज के डेट में इनको लगता है कि हम कश्मीर को और बेवकूफ़, आज के जो कश्मीरी है वो समझ चुका है इनकी चालों के। आने वाले वक्त में जो यहाँ के आवाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो कोई भी पार्टी हो, इनको ठुकराएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों से आपको इतला करते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन। मैं मुस्कान बेग विद कैमरा पर्सन तौफीक अहमद।